फ्रेंड्स, आज हम आपको चूड़ीदार कमीज की कटिंग करना बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम चूड़ीदार कमीज बनाते हैं। चूड़ीदार कमीज आप पैंट के साथ या पियामे के साथ पहन सकते हैं और ये लॉन्ग होती है और ये इस तरह से डिजाइन की होती है या वर्क वाली होती है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा 2.25 मीटर है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर नेक डिजाइन किया हुआ है, इसको पहले हम सेंटर करेंगे और पहले फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स निकालेंगे। आपने नेक को बिल्कुल सेंटर में लेना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसी तरह हम बैग को भी इसी के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट में हमारा देखिए डिजाइन है, इसलिए इसको भी सेंटर में रखना है। पहले हम लेंथ लेंगे। इसमें हमारे नीचे डिजाइन है, देखिए, और डिजाइन देख हमारी कुर्ती 41 इंच है, जिसमें हमारी ये 40 इंच तैयार रहेगी। अब हम इसकी विड्थ लेंगे। हमारी हिप 19 इंच तैयार है, जिसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, टोटल हो जाएगा 23 इंच। अब हम 23 इंच का आधा करेंगे 11.5 इंच। अब इसे हम कटिंग करेंगे। अब हम पहले तीरा रखेंगे। हमारा तीरा 6.5 इंच तैयार है, टोटल 13 इंच। यहां से हम 6.5 इंच लेंगे और शोल्डर लेंथ हम तीरे से 1 इंच ज्यादा लेंगे। यहां से 7.5 इंच और यहां से भी 6.5 इंच। अब हम यहां से कमर का निशान लगाएंगे 14 पर और यहां से हिप का निशान लगाएंगे 21 पर। यहां से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 19 इंच हमारी चेस्ट है, जिसका आधा हुआ 9.5 इंच। कमर हमारी 15 इंच तैयार है, जिसका आधा हुआ 7.5 इंच। और हिप हमारी 19 इंच तैयार है और इसका आपने ऊपर से 14 इंच पर निशान लेना है। और हिप हमारी 19 इंच तैयार है, जिसका आधा हुआ 9.5 इंच। यहां से भी 1.5 इंच लेंगे ज्यादा और यहां से भी 1.5 इंच और यहां से भी। ये हमारा सिलाई का है और ये हमारा कटिंग का है। अब इस निशान को हम लाएंगे। अब हम यहां से 2.25 इंच की गुलाई पाएंगे। गुलाई को हम कटिंग के निशान से मिलाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम इन पार्ट्स को अलग अलग करेंगे।
ये हमारा बैक का पार्ट है। पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेंथ हम 6.5 इंच लेंगे, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहां से 1/2 इंच की गोलाई पाएंगे। अब हम यहां पर फ्रंट की गोलाई पाएंगे 1/2 इंच की। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे। इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। यह हमारी स्लीव्स का कपड़ा है, पहले हम यहां से कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारी डिजाइन वाली है, इसको हम एक दूजे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। डिजाइन को एक दूजे के साथ मिलाना है पहले, और यहां से हम अपनी स्लीव की लेंथ रखेंगे। लेंथ हमारी 17 इंच तैयार है और 1 इंच हम रखेंगे सिलाई के लिए, टोटल हो जाएगा 18 इंच। यहां से और हम आर्म होल हमारा 8 इंच तैयार है, तो यहां से हम 8 इंच लेंगे। 2 इंच हम कटिंग के लिए लेंगे। यहां से 5.5 इंच लेंगे आर्म होल नीचे की तरफ, और 2 इंच हम फिर यहां से लेंगे। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे। और यहां से हम 2.5 इंच की गोलाई पाएंगे इस तरह से, देखिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे। और इस कपड़े की हम कटिंग करेंगे। और यहां से हम फ्रंट की गोलाई पाएंगे 1/2 इंच पर। अब इसमें हम कटिंग करेंगे। ये हमने चूड़ीदार कमीज की कटिंग कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।